मेरा 4 मीटर का स्पैन है और 3 मीटर का स्पैन है। इसलिए अब 1 वे होगा या 2 वे होगा, हम क्या करेंगे? लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन, ये कितना आएगा? 1.3। 1.3 आया तो 2 के नीचे है, इसका मतलब क्या होगा? 2 वे है, ठीक है ना। अगर वैल्यू 2 के नीचे आती है तो 2 वे, अगर 2 या फिर 2 के ऊपर आती है तो 1 वे स्लैब। अभी क्या करेंगे हम, यहां पर शॉर्टर स्पैन कौन सा है वाला है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इसी स्पैन के अलावा में अभी बार लगाने होंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले बार जो लगाएंगे इसी स्पैन के अलावा में लगाएंगे। अल्टरनेट क्रैंक हो रहा है ना, एक साइड इस एक बार इस तरफ क्रैंक हो रहा है और एक बार इस तरफ क्रैंक हो रहा है, समझो। ये जो मेन बार है, बॉटम मेन बार मैं इसको कहता हूं, बॉटम मेन बार, नहीं तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मेन बार अलोंग शॉर्टर स्पैन, ठीक है ना। इसके ऊपर में जो लगने वाले वो मेन बार अलोंग लॉन्गर स्पैन, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं इसको बोलता हूं बॉटम मेन बार, ये है हमारे बॉटम मेन बार, ट्रेन का डाया है और समझो 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, ओके। इसके बाद में ऐसे भी बार लगेंगे, ये हमारे कौन से होंगे, जहां पर क्रैंक है वहां पर भी बार लगेंगी, तो इसको क्या बोलेंगे, टॉप मेन बार या फिर मेन बार अलोंग लॉन्गर स्पैन, क्लियर ना। ये भी सेम ही है, समझो ट्रेन का डाया है और 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, पहले क्लियर हो गया है। अभी इसके बाद में जो बार लगने वाली है वो कौन सी बार लगने वाली है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है ना। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन अगर आप इसका देखोगे, मैं इसका अगर समझो इस तरीके से क्रॉस सेक्शन अगर कट करता हूं, पहले तो कवर होगा, इसके बाद में अभी यहां पर कौन से बार लगने वाली है, मेन बार, यहां तक जाएगी। इसके बाद में इस तरफ से क्रैंक होगा, वो इस तरफ जाएगी, ये हो गई बॉटम मेन बार, ठीक है। अभी इसके ऊपर कौन से लगने वाली है, टॉप मेन बार, तो यहां से लगेगी ये, इसके ऊपर में लगेगी ना, इस तरीके से वो टॉप मेन बार जाएगी। इसके बाद में अभी कौन सी बार लगेगी, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, यहां पर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन जो बार रहता है वो ऊपर से नहीं आता है, क्लियर है यहां तक। इसके बाद में फिर क्या क्या लगेगा, टॉप एक्स्ट्रा का बार लगेगा, ठीक है ना। टॉप एक्स्ट्रा का बार यहां से यहां तक इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके के बार लगने वाले। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है ना। पहले जो बार लगने वाली है वो मेन बार शॉर्टर स्पैन के अलावा में लगेगी ना,
तो 3 मीटर अभी क्रॉस सेक्शन हमारा ऐसे कट करना था हमको इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में जो बीम है वो समझो है 0.23 का, यह 0.23 का, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, कटिंग लेंथ निकालना है, ठीक है। कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम मेन बार, किस तरीके से इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो बीम है 230 का, दो बीम है इसलिए मैं पहले तो दो करता हूं। अभी एक बीम जो है 230 का है, 0.23 का, इसमें से इसका कवर माइनस करना पड़ेगा। कवर कितने का होगा, 0.025 का। तो यहां से लेकर यहां तक का बार मिल गया और यहां से लेकर यहां तक का बार मिल गया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया इसलिए। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक क्रैंक बार है पूरा। क्रैंक बार निकालने के लिए क्या करते, लेंथ प्लस 0.42h, आपको फार्मूला बताया था ना। तो हम क्या करेंगे, लेंथ लेंथ कितनी है यहां से लेकर यहां तक की, 3 मीटर प्लस 0.42। अभी हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट समझो स्लैब की है 125 कंसीडर करके, जनरली 125 होती है। तो इसके बाद में ऊपर से कवर छूट गया 20, नीचे से कवर छूट गया 20, 40 तो माइनस हो गया, कितना बचेगा 0.125 माइनस 0.02, मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं इसको। इसके बाद में बेंड भी है, बेंड कितने है? दो ही बेंड है, कितने के, 45 के। 45 के लिए हम 1d माइनस करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय d कितना है, 10 है, 0.01, 0.49, परफेक्ट मीटर। टोटल मीटर का बार है एक, ठीक है, एक बार ऐसे लग रहा है। ऐसे हमारे पास अभी कितने नंबर ऑफ बार लगेंगे, नंबर ऑफ बार अलोंग लॉन्गर स्पैन, मीटर। यहां पर जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, लॉन्गर स्पैन, स्पैन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। स्पैन कितना बनेगा, यहाँ पर 3 मीटर का तो स्पैन नहीं होगा, क्योंकि 3 मीटर का तो बार लग रहा है ना, 3 मीटर के अलोंग में, तो कौन सा वाला स्पैन होगा, 4 मीटर वाला स्पैन। 4 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग कितनी है इसकी, 0.2 मीटर, 200 mm की स्पेसिंग है ना, प्लस 1, 21 नंबर हमारे शॉर्टर स्पैन के अलोंग में बार लग रहे हैं, क्लियर है। शॉर्टर स्पैन क्लियर है। इसके बाद में क्या क्या निकालेंगे, कटिंग लेंथ ऑफ टॉप मेन बार, इस तरीके से निकालेंगे। इसका क्रॉस सेक्शन अभी कैसे कट करेंगे, इस तरीके से अगर क्रॉस सेक्शन कट हो गया, यहां पर थोड़ा सा चेंज क्या होगा, ये 4 मीटर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो बार हमारी बॉटम में गई थी ये टॉप में चली जाएगी। अभी ये जो बार है ये बार कैसे दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी ना, जो ऊपर वाली बार है इस तरीके से ये वाली बार दिखेगी, इसके ऊपर में इस तरीके से बार रहेगी, बार इसके ऊपर से जाएगी, ठीक है ना, इसके ऊपर में लगने वाली बार, ठीक है।
अभी क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, सेम ही होगा ना फॉर्मूला, तो दो बीम है, एक बीम यहाँ पर एक बीम यहाँ पर, बीम की विड्थ कितनी है 0.23, उसमें से हम कवर उसका माइनस कर लेंगे, ठीक है, प्लस यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है 4 मीटर, प्लस 0.42 एच करते हैं ना, एच अभी कितना होगा 125 में से माइनस होगा 0.125 में से माइनस होगा 0.02, फिर माइनस करता हूँ 0.02, फिर माइनस करता हूँ अभी यहां पर ये वाला बार 10 mm का, इसके बाद में फिर बेंड को भी माइनस करना पड़ेगा हमको, बेंड कितने है? दो बेंड है, कितने डिग्री के होंगे 45 डिग्री के, तो 45 डिग्री के लिए 1D करते 0.01, हमको यहाँ पर हाइट निकालनी है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, टोटल हमारी हाइट कितनी थी 125 mm, इसमें से हमने क्या किया ऊपर का कवर माइनस कर लिया और नीचे का कवर माइनस कर लिया 20-20, इसके बाद में ये वाला जो बार है पहले बार लगा लॉन्गर स्पैन का शॉर्टर स्पैन का लॉन्ग में, उसके ऊपर हम अभी लॉन्गर स्पैन वाला बार लगाने वाले हैं ना, तो ये वाला बार नीचे है इसको भी तो हमको माइनस करना पड़ेगा, ये वाला बार है 10 mm का इसलिए हमने माइनस कर लिया 4.41 मीटर, इतना क्लियर हो गया पूरा।